लगा बिहार में, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बिहार। नमस्कार दोस्तों, दिस इज नीरज तिवारी। आज हमारे चैनल पे आए हैं भाई शाश्वत। भाई शाश्वत हैं अपने भागलपुर बिहार से और ये केदारनाथ की पैदल यात्रा कर रहे हैं। हम इनको जानते हैं एक राही नाम से और इनका एम है केदारनाथ तक पैदल जाने का, जो ये डन कर चुके हैं। अभी आए हैं ये केदारनाथ दर्शन करने के बाद हमारे पास रामपुर में, और इसके बाद फिर पंचकेदार, इसके बाद ये करेंगे पंचकेदार की यात्रा। वैसे हमारे चैनल पे फर्स्ट वीडियो होने वाला है जो भाई शाश्वत के साथ होने वाला है। आज तक हमें कुछ ऐसा लगा नहीं कि हमें करना चाहिए था, बट जब भाई शाश्वत से मिले हम और इनका विजन देखा हमने केदारनाथ जाने का, और केदारनाथ से जो इनका विजन है पंचकेदार करने का, तो हमें लगा कि भाई शाश्वत को अपने चैनल पे लाके आप लोगों को, आप सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। और क्या इनका विजन है, क्या ये लाइफ में करना चाहते हैं, और क्या इन्होंने क्या सोच के इन्होंने केदारनाथ की पैदल यात्रा चुनी है, उसके बारे में कुछ दो चार सवाल करने वाले इनसे। तो भाई शाश्वत का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं हूँ एक राही और मैं जा रहा हूँ भागलपुर से केदारनाथ 1400 किलोमीटर पैदल यात्रा पे, और मैं अभी हूँ गया से बिहार और यूपी को जोड़ती है, और अगला जो सिटी आएगा वो है बलिया। मैं 20 दिनों से बिहार में चल रहा हूँ और मुझे बहुत ही प्यार मिला, बहुत ही अच्छा लगा बिहार में। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बिहार की छवि जो है वो थोड़ी बहुत कम से कम सही हो पाए। और एक राही को जरूर फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आप सबों को केदारनाथ धाम का दर्शन करा सकूं और वहां के मनोरम दृश्य को मैं आप लोगों के सामने रख सकूं। तो चलिए चलते हैं, हर हर महादेव। भाई शाश्वत से हमारा पहला सवाल है, आपको हम एक राही नाम से आगे कन्वर्सेशन में बात करें या फिर शाश्वत नाम से जो आपको अच्छा लगे। ऐसे तो मुझे ज्यादातर लोग अब मुझे एक राही के नाम से जानते हैं, शाश्वत लोग कम जानते हैं। तो हम भाई से एक राही करके जो इनका इंस्टाग्राम पेज है और इनका यूट्यूब चैनल है एक राही नाम से, तो जाके विजिट कीजिएगा और हम इनको एक राही नाम से आगे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो एक राही भाई साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप कहाँ से हैं और क्या आप सोच के चले। मैं बिहार से हूँ, एक छोटा सा गाँव है मेरा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से मैं निकला हूँ केदारनाथ के लिए। ऐसे मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, 3-4 साल से मैं सोच रहा था, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था, कॉलेज एग्ज़ाम वगैरह में फिर मुश्किल था, और अभी मेरे पास चांस था ऐसा कुछ करने का। मेरा ड्रीम था केदारनाथ, तो सोचे थोड़ा स्पेशल होना चाहिए इसमें, तो पैदल ही निकल पड़ा मैं। जैसे आपने बताया आपका 3 साल से प्रोग्राम था केदारनाथ यात्रा पर निकलने का, लेकिन आपने पैदल यात्रा चुनी। मेरे सपोर्ट में एक्चुअली कोई नहीं था, मेरे से खुद के सिवाय। जिसको भी मैं बताता था या तो किसी को मजाक लग जाता था, और कोई या तो कोई मजाक बना देता था। किसी को यकीन नहीं होता था कि इतना दूर मतलब पैदल चलना सही रहेगा, लेकिन मुझे खुद पे यकीन था, भोलेनाथ पे मेरे यकीन था कि मैं ये कर लूँगा। और अभी मैं जब सोचता हूँ कि मैं उतने दूर से आया हूँ, तो मुझे भी ये इम्पॉसिबल टाइप का लगता है कि मैं कैसे आ गया, लेकिन आ गया। पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क है, या फिर कोई बंदा सोचने में भी थोड़ा 10 मिनट तो सोचने में लग जाएगा उसको कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और जो आपने पॉसिबल करके दिखाया है, तो जो आगे सोच प्लान कर रहे हैं का जो भागलपुर से हैं या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं कहीं से, जो संसाधनों की कमी की वजह से नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए भाई प्रेरणा का स्रोत है। सब कुछ होने के बावजूद भाई ने पैदल यात्रा चुनी और केदारनाथ तक पैदल यात्रा की है, तो कोई बहाना नहीं चलेगा, जिसको आने की श्रद्धा होती है वो आता ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल। एक राही भाई, जब आपने अपने घर में बताया कि आप पैदल यात्रा करने वाले हो भागलपुर से केदारनाथ, जो कि 1400 किलोमीटर है, बहुत ही लंबी यात्रा है, और पैदल करना बहुत ही नामुमकिन सा काम लगता है, घर वालों का, फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था, और क्या चीज़ें मतलब ऐसी थी कि आप क्या हिम्मत जुटाई आपने ये बोलने के लिए फैमिली के सामने कि मैं ये करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली यूट्यूब वगैरह पे देखता था, पहले मुझे इंटरेस्ट था ऐसे, तो यूट्यूब वगैरह पे देखता रहता था, तो मैंने 2-3 साल पहले अपनी मम्मी को दिखाया था कि देखो ये लोग ऐसे जाते हैं, और ऐसा मुझे भी कुछ करना है आगे चल के, तो मैं बोले ठीक है चले जाना। उनको लगा कि ऐसे बोल रहा है तो घर थोड़ी देगा, थोड़ी मिलेगा, जैसे घर वालों का होता है, हाँ ठीक है कर लेना। तो फिर अभी फिर टाइम आया, मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हुआ, उसके बाद फिर मैंने बताया, तो फिर हिचकिचाने लगे सब कि नहीं कैसे, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कैसे जाएगा इतना दूर। तो फिर मैंने किसी तरह मनाया, और
मैं केदारनाथ जा रहा था, तो श्रद्धा तो सबके अंदर होती है, तो मम्मी ने बोला कि ऐसे जगह जा रहा है जहाँ की मैं मना भी नहीं कर सकती, भोलेनाथ से मिलने जा रहा है, इसमें तो किसी का रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो फिर इस तरह से मुझे परमिशन मिला। अच्छा, तो मतलब लास्ट में फैमिली ने सपोर्ट किया। वैसे मैं देखा था जब आपकी केदारनाथ में जब आप पहुंचे, तो आपकी मम्मी और सिस्टर केदारनाथ में आपको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे, और केदारनाथ में उन्होंने इनका स्वागत किया था, तो पहुंचे थे वहाँ पे। जी, मैंने एक्चुअली बुलाया था, ऐसे टिकट कन्फर्म नहीं हुआ था, लेकिन मैंने फिर से तत्काल में टिकट करके बुलाया, क्योंकि मुझे मैंने पहले से माइंड सेट करके रखा था कि मेरी फैमिली आ पाएगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं आ पा रही थी तो थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर सनसेट है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। उन्होंने कि उनका भी ये था कि आपने जो इतना बड़ा लंबी यात्रा, जो आपको ये यात्राएं जो है इतनी लंबी यात्रा, आप दोबारा कभी सोच सकते हो या फिर करोगे कहीं और की? बिल्कुल, एक बार घर से निकलने के बाद मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था कि कैसे मैं करूँगा, ये कहाँ रुकूँगा, सबसे ज़्यादा यही था कि कहाँ रुकूँगा। लेकिन ये 80 दिनों में 85 दिनों में मुझे आदत हो गई है कि कहीं पे मैं अपना टेंट लगाने का जगह मैं ढूंढ सकता हूँ, तो आगे भी मैं ये जारी रखूँगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये जर्नी मेरा चलता रहेगा। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक है। और आप हमें ये बताएं, आप जब घर से निकले थे, कहाँ से निकले हैं और कितने दिन आपको अभी तक हो चुके हैं, और कैसे कैसे आपका स्टे रहा है, कहाँ कैसे आपका खाना पीना या फिर जर्नी किस हिसाब से आपकी कैसे प्लान की और कैसे रही है अभी तक? जब मैं निकला था भागलपुर से, तो एक हफ्ते तक मुझे प्रॉब्लम हुआ था कि मैं कहाँ रुकूंगा। जब शाम होती थी तो मेरे दिमाग में बस एक ही टेंशन रहता था कि मैं कहाँ रुकूंगा। खाने का तो हो जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, ऐसा कोई दिन हुआ ही नहीं है आज तक कि मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिला। तो बस माइंड सेट ऐसा हो गया कि नहीं, जगह तो मिलना ही है, बस शाम तक चलना है, अपना जो भी किलोमीटर है वो कंप्लीट करना है और जगह मिल ही जाना है फिर। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप हमें ये बताएं, आप एक दिन में कितना ट्रेवल कर लेते हैं, कितना पैदल चल लेते हैं, और कितना आपका डेली खर्चा आ जाता है? मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में बहुत कम चल पाता था, 20-25 किलोमीटर मैक्सिमम होता था मेरा, उसके बाद फिर एनर्जी खत्म हो जाता था मेरा, फिर तो 20-25 किलोमीटर कम लग रहा है। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बढ़ाया अपना डिस्टेंस डेली का, लगभग 30 कर लेता था मैं, 25 से 30, और हाईएस्ट मेरा हो गया है 40 किलोमीटर मेरा हाईएस्ट था, और डेली का मेरा खर्च यूपी बिहार में बहुत कम खर्च होता था, क्योंकि उधर लोग बहुत हेल्प करते थे खाने पीने, या ऐसे रास्ते में अगर चलते थे तो पीछे से बाइक लेके आते थे और खाना बिस्किट जो भी पानी वानी है जो भी हेल्प करते थे। लेकिन इधर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इधर बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, इधर ट्रेवल करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे साइकिल से या पैदल आते हैं, तो यहाँ उतना पॉसिबल नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, तो उधर जो है मेरा यूपी बिहार में 200-250 लगते थे डेली, इधर तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लगभग 400 मान के चलिए। अगर इधर जाते हैं तो इधर महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और उतना ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप जैसे अगर 25 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ पे पहाड़ में तो ऐसा होता है कि 25 किलोमीटर तक आपको कोई मार्केट ही ना मिले, तो फिर आपका स्टे का कैसे रहेगा फिर? यहाँ मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हुआ है। हाँ। तो मार्केट तो नहीं मिलता था, लेकिन छोटा मोटा कोई दुकान मिल जाता था। हाँ। और ऐसा इधर थोड़ा मैं सेफ भी फील करता था कि कहीं भी अगर लगा लेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा कि ऐसा कि कहाँ से आए हो, क्यों लगाए हो यहाँ पे टेंट, ऐसा कुछ नहीं है इधर। तो यहाँ के लोग भी थोड़ा सपोर्टिव हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ यहाँ आए हैं तो इनको रहने के लिए जगह दे दिया जाए कम से कम। जी ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो आपकी ये 80 से 85 दिन है, इसमें से सबसे कोई ऐसा दिन होगा जिसमें कुछ आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी होगी, कोई ऐसे दिन होंगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली होगी, तो सबसे खतरनाक या डेंजर या फिर डरावना दिन बोल सकते हैं, और सबसे खुशी वाला दिन कौन था आपका? मैं जब निकला था घर से, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि नहीं शाम हो गया तो मुझे रुक जाना चाहिए अब, तो मेरे साथ एक ऐसा दिन आया था कि मैं पूरा रात लगभग 10-10:30 बजे तक मैं चलता रहा था। अच्छा। और पूरा जंगल था, कुछ नहीं था, बस कुछ गाड़ियाँ चल रही थी, और गाड़ियाँ भी बहुत कम चल रही थी,
और मैं बस अकेला जा रहा था, पूरा अंधेरा, सड़क पे लाइट भी नहीं था। मैंने अपने बैग से लाइट निकाला और वही जला के बस जा रहा था। मुझे उस दिन बहुत ज्यादा डर लगा था एक्चुअली, आगे का कुछ पता नहीं, मार्केट कितनी दूर आएगी, एक्चुअली उस दिन कहाँ रुकना है। हाँ, उस दिन ऐसा हुआ था कि मेरे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुआ था कि किसी ने बताया मुझे कि यहाँ से बस 6-7 किलोमीटर आगे जाइए तो वहाँ आपको रहने का जगह मिल जाएगा। लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचा लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, मुझे और लगभग 7-8 किलोमीटर और चलना पड़ गया। तो उस दिन थोड़ा हालत खराब हो गया था। और सबसे खुशी वाला दिन कौन सा था? स्वर्ग। अभी तो आपने केदारनाथ कंप्लीट कर चुके हैं, आगे आपका प्लान क्या है? आप केदारनाथ से घर वापसी कैसे जाएंगे या फिर आप यहाँ पे कहीं और विजिट करेंगे, क्या प्लान है आगे का? मुझे किसी ने ऐसा बताया, मेरे फॉलोवर्स ने, कि जब आप केदारनाथ गए तो आपको पंच केदार भी करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि पंच केदार के बिना केदारनाथ की यात्रा जो है वो अधूरी मानी जाती है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो भी कर ही लिया जाए। बिल्कुल। एक्चुअली मेरा माइंडसेट हो गया था कि अब मुझे घर जाना है तो पैदल तो नहीं जा सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बिल्कुल। और फिजिकली उसके बाद मेंटली भी मैं थोड़ा थक चुका हूँ। और आपने जो विजन जो आपका था केदारनाथ तक पैदल जाना, वो तो कंप्लीट हो ही चुका है। वो कंप्लीट हो ही चुका है। इसके बाद आप जैसे भी जाएं। हाँ। उसके बाद मैं देख रहा हूँ, लिफ्ट लेके चला जाऊंगा, जहाँ लिफ्ट मिलेगा मुझे वहाँ लिफ्ट ले लूंगा और जहाँ मुझे गाड़ी मिल जाएगा वहाँ मैं गाड़ी से चला जाऊंगा। ठीक है, तो आपका पंच केदार का जो प्रोग्राम है, पंच केदार में आते हैं केदारनाथ, मधमहेश्वर, रुद्रनाथ, चुंभुनाथ और कल्पेश्वर। केदारनाथ आपका एक तो कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद फर्स्ट में आप मधमहेश्वर जा रहे हैं, उसके बाद फिर रास्ते में आएगा तुंगनाथ, उसके बाद रुद्रनाथ और लास्ट में करेंगे आप कल्पेश्वर। ये सारा बद्रीनाथ के रास्ते में ही है ना? और ये एक्चुअल में पड़ता है उखीमठ से, दो रुद्रप्रयाग में पड़ता है मधमहेश्वर और तुंगनाथ, जो चोपता से 3 किलोमीटर का ट्रैक है, और बाकी पड़ते हैं आपके दो कल्पेश्वर और रुद्रनाथ चमोली में, जो बद्रीनाथ का रूट है। तो मधमहेश्वर में करीब 22 किलोमीटर का ट्रैक है और वहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे केदारनाथ में गए हैं तो यहाँ काफ़ी यात्री हैं, काफ़ी लोग हैं। मधमहेश्वर में आपको थोड़ा टफ सिचुएशन ये मिलेगी कि क्या पता आपको कुछ 1-1.5 किलोमीटर तक आपको कोई मिले ना, तो आप उस चीज़ के लिए मेंटली तौर से रेडी हैं? एक्चुअली मुझे इस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहना है, मुझे ऐसा जगह ही पसंद है जहाँ की मतलब एकदम भीड़ भाड़ कम हो, आराम से जाऊँ, जहाँ मन हो बैठ गए, जहाँ मन हो जो मन हो वो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। चलो अब इससे हट के आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, जो आपका ये लुक है, दाढ़ी वाड़ी है, तो ये घर से ऐसे आए थे या फिर ये इस यात्रा काल में इतना बढ़ गया है? एक्चुअली मैं जब घर से निकल रहा था तो मैंने छोटा छोटा करवा लिया था दाढ़ी, इतना मेरी लाइफ में इतना बड़ा कभी दाढ़ी हुआ ही नहीं था जितना अभी हो गया, क्योंकि तीन मंथ तो हो गया। हाँ, और 3 मंथ में मेरा इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया, ये मेरा पहले छोटा छोटा था। और किसी ने बताया कि मैं रास्ते में ट्रिम करवाने वाला था, लेकिन किसी ने बताया कि आप यात्रा पे जा रहे तो ऐसा करना सही नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल, तो मुझे चलो ये भी सही है। ठीक है, तो एक नया लुक भी देखने को मिलेगा, मेरा देखने को मिला है। और यहाँ से घर जाने के बाद क्या प्रोग्राम, इसको लंबा रखोगे, ऐसे रखोगे या फिर? एक्चुअली 3 मंथ मैं खुद को ऐसा देख रहा हूँ तो ये थोड़ा थोड़ा मुझे भी पसंद आने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर जाके थोड़ा सेट तो करवाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये लुक तो ऐसे ही, अब इस लुक की वजह से आपको काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग पहचानते हैं और आपके इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी फॉलोवर हैं, शायद आज की डेट में 10,000 कंप्लीट हो जाए। तो जितने भी लोग व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, भाई के इंस्टाग्राम चैनल पे जाएं, एक राही नाम से इनका चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो जाएं और वहाँ से भाई को सपोर्ट करें। अभी आपसे एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम यहाँ पे मिले हैं, भोला के थ्रू, तो आप भोला से आपकी जान पहचान कैसे हुई और कैसे आपको भोला का नंबर मिला या फिर भोला ने आपसे कांटेक्ट किया और आप यहाँ पे आए हैं? एक्चुअली होस्टिंग कैसी आपको लगी है, इसके बारे में कुछ? मैं जब गुप्तकाशी में था तो इन्होंने मेरा गुप्तकाशी का रील्स देखा इंस्टाग्राम पे, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया और बताया कि आप जब रामपुर पहुँचेंगे तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा ज़रूर जी। तो मैं यहाँ आया और
इनसे कांटेक्ट किया जी. तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे मेरा होटल है. हाँ. तो इन्होंने यहाँ मुझे रहने के लिए रूम दिया था और फिर मैं यहाँ 2 दिन रुका था आराम करने के लिए. 2 दिन रुका केदारनाथ जाने से पहले जी. हाँ. उसके बाद फिर मैं केदारनाथ गया. फिर वापस आते टाइम मेरी फैमिली पूरी फैमिली यहाँ पे रही थी और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला. और ये भैया जो है ये भी इनका बगल में होटल है. तो सब एक साथ मिलके रहते, ऐसे लगता है कि सारा दोनों होटल एक ही है. इससे पहले हमारे जानने में प्रीतम आए थे साइकिल से, जो झाझा से केदारनाथ साइकिल को भी भोला ने होस्ट किया था. हाँ. उनको भी काफी अच्छा लगा है. अभी आपको होस्ट किया है तो आप भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके भोला के चैनल को, क्षत्रिय भोला नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा. बिल्कुल. चलो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त. भाई को सपोर्ट करें. भाई का यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. भाई का इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. जाके फॉलो करें, लाइक करें, प्यार बढ़ाएं और भाई को आगे के लिए सपोर्ट करें. इनको आगे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं. इनकी यात्रा बहुत अच्छी हो और आगे के लिए हम सपोर्ट करते हैं. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. थैंक यू सो मच.